हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा देवांगन, पुष्पा कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं टेस्टी टेस्टी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। में बना रही हूँ मैं ये सोया चिली है, बहुत इजी रेसिपी है। आज संडे है, संडे स्पेशल, आप भी अपने घर में ये ट्राई कीजिए। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं हम लोग आगे प्रोसेस कैसे करते हैं। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सोया चिली। ये मैंने सोयाबीन को अच्छे से भिगा दिया है 10-15 मिनट पहले। अब इसको हम लोग अच्छे से निचोड़ लेते हैं, इसमें वॉश कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें झाग पूरा निकल रहा है, इसका गंदगी पूरा निकल रहा है। अब इसको हम लोग निचोड़ के प्लेट में रखते जाएंगे। पूरे सोयाबीन को हम लोग निचोड़ के प्लेट में रख देंगे। देखिए हम लोग सोयाबीन पूरा निचोड़ के यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए ये हरी मिर्च, इसको कटिंग कर ली हूँ मैं, मीठा नीम की पत्ती, लहसुन, ये अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, इसका पैकेट है, ऑयल, ये नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, ये कटोरी मैदा ली हूँ मैं, इसमें पूरा भर नहीं है, कमी है नहीं। हम लोग अरारोट का आटा भी लेंगे। एक बॉल में चलिए सोयाबीन को हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद इसमें नमक, आपके टेस्ट के हिसाब से आप जितना ले सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया, थोड़ा मिर्ची पाउडर, और ये जो मैदा जो मैंने रखा है इसको डाल देते हैं। देखिए मैंने अरारोट का आटा भी इतना ही लिया है। चलिए इसको भी ऐड कर देते हैं। ये खाने का सोडा, मीठा सोडा, इसका छोटा सा छोटा चम्मच थोड़ा सा लिए हैं हम लोग। चलिए सबको हम लोग घोल बनाते हैं। इसमें चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम लोग, थोड़ा घोल बनाएंगे अच्छे से, सोयाबीन ये मिक्स हो जाए। अगर हमको लगता है कि सोयाबीन ज़्यादा है, अरारोट का आटा या फिर मैदा और लेना है, तो हम इसमें ले सकते हैं। चलिए ये छोटा चम्मच, उसमें आधा चम्मच है, कलर ऐड कर देते हैं हम लोग, इसको मिक्स कर देंगे। देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें तेल गरम हो रहा है, हमारा तेल गरम हो गया है। चलिए हम लोग सोयाबीन को डालेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए हमारी सोया चिली ये तल गई है। चलिए इसको निकाल देते हैं हम लोग। देखिए इसी तरह हम सारे सोयाबीन को ऐसे तल देंगे। ये मैंने दूसरी बार तला है, अब ये भी हो गया है। चलिए इसको भी निकाल देते हैं हम लोग। इसी तरह सारे सोयाबीन को हम लोग तल लेंगे। देखिए इसमें मैंने प्याज भी कटिंग कर दिए हैं। ये देखिए मैंने पिज्जा सॉस, ये घर में बनाया हुआ था, इसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी। आज मैं बिना शिमला मिर्च के यहाँ बना रही हूँ सोया चिली। चलिए हम लोग बनाते हैं। चलिए कढ़ाई में तेल है, पहले हम डालते हैं लहसुन को, अच्छे से फ्राई होने देते हैं। हरी मिर्च को डाल दिए, कड़ी पत्ता डाल दिए, हम ये प्याज लिए हैं तो भी डाल दिए। देखिए चलिए इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको ऐड कर देते हैं, ताकि ये भी भुनेगा तो अच्छा से टेस्ट आएगा। देखिए ये मैंने एक चम्मच से करी पिज्जा सॉस जो घर में बनाया था उसको भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा और डाल रही हूँ, ये थोड़ा स्पाइसी है, मिक्स कर लेते हैं हम लोग इसको। ये प्याज है, ये सबको एकदम ज़्यादा नहीं पकाना है हमको, इसमें शिमला मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपके घर में कभी शिमला मिर्च नहीं हो तो उसके बगैर भी सोया चिली बन सकता है। ये हम लोग ये सोया चिली जो बनाए हैं उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ताकि लहसुन का फ्लेवर है वो इसमें मिल जाए। इसमें हम लोग ये चिली सॉस है उसको थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि मैंने इसमें पिज्ज़ा सॉस भी ऐड किया है। अब
इसमें सॉस डालेंगे हम लोग। सॉस आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। ये सोया सॉस मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें। चलिए इसको अच्छे से एक साथ मिला देते हैं लोग। देखिए सोया चिली का कलर बहुत अच्छा आया है। ऐसे ही आप भी अपने घर में ये बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत इजी है। बाहर का कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपके घर में है उसी से बन जाएगा। देखिए ये हमारा सोया चिली बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी है और थोड़ी सी स्पाइसी होगी, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। आप भी अपने घर में ये ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।